तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे इस कार्टून की मदद से एक स्पीकर बॉक्स। तो उसके लिए हमें ये कार्टून चाहिए, एक ये फेविकॉल चाहिए। अब ख़त्म भी थोड़ा सा का काम है। और दो स्पीकर चाहिए छोटे साइज जो टीवी में होते हैं। अब ख़राब पुराने टीवी से निकाल सकते हैं, हमने पुराने टीवी से निकाला है। और ये 3.7 वोल्ट की बैटरी थी। और हमारे पास एक ब्लूटूथ मॉड्यूल भी है, वो हम लोग आपको आगे दिखाएंगे। तो पहले हम लोग बॉक्स के उल्टी साइड में दो स्पीकर को ऐसे रख लेंगे। अब यहाँ पे एक पेन लेके इसके साइड साइड मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब यहाँ दूसरी साइड भी हम लोग मार्किंग कर लेंगे कुछ इसी प्रकार से। तो हम लोग दूसरी साइड भी कर लिया है। अब हम सब क्या करेंगे, स्पीकर को लेके। स्पीकर देख सकते हैं साइड से कर्व हुआ हुआ है। तो हम लोग इसको धीरे धीरे उसी टाइप से शेप में कर्व करेंगे जो स्पीकर फिट आ जाए उसमें। तो आप लोग भी सही कीजिएगा जो फिट आ जाए स्पीकर। अब हम लोग इसको ब्लेड की मदद से कट कर लेंगे। ये हम लोगों ने इसको कट कर लिया है, देख सकते हैं स्पीकर इसमें कुछ इस प्रकार से फिट हो रहा है। तब इस स्पीकर को हम सब इसमें से निकालेंगे। अब इस स्पीकर के साइड में हम लोग ग्लू लगाएंगे, ग्लू लगाने के बाद इसको चिपका देंगे। ये हम लोग ग्लू लगा रहे हैं अच्छे तरीके से जो ये सूख जाए। और ये हम लोगों ने ग्लू लगा दिया है इसमें। अब इसको हम लोग डायरेक्ट वो जो होल है उसके ऊपर से ऐसे रख देंगे जो ये सूख जाए। हमने एक स्पीकर को ऐसे लगा दिया है। अब दूसरे स्पीकर को लेंगे, इसको सूखने के लिए छोड़ देना। अभी दूसरे स्पीकर को लगाना है। इसके साइड साइड जो स्पेस भरता है, तो हमारे पास नट तो नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग फेविकॉल डाल देंगे जो चिपक जाए। तो ये लग गया है हमारा फेविकॉल। अब दूसरे स्पीकर का काम करते हैं, उसमें भी कुछ इसी प्रकार से फेविकॉल लगाएंगे। और ये फेविकॉल लग गया है इसमें भी। इसको पहले प्रेस करके इसके भी साइड साइड में जो ये स्पेस बचता है उसमें फेविकॉल भर देंगे। अब ये हम सब ने इसमें ग्लू लगा दिया है। अब इसको सूखने के लिए अब इसको भी हम सब छोड़ देंगे। पहले इसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं। दो घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। अब दो घंटे हो गए हैं, ये कुछ अच्छे तरीके से सूख गया है। अब हम लोग आगे का काम करेंगे, इसका कनेक्शन का, वायरिंग का। उसके लिए हमने दो वायर लिया है, उसके प्लस माइनस को स्पीकर के प्लस माइनस से देख के हम लोग अटैच कर देंगे। पहला वायर यहाँ पे लग चुका है, अब दूसरे वायर की बारी है। और ये दूसरा वायर भी लग गया है। अब दूसरे स्पीकर के कनेक्शन करते हैं, उसका भी कनेक्शन हो गया। अब दोनों स्पीकर के प्लस वाले टर्मिनल को जोड़ देंगे। और दोनों स्पीकर के माइनस टर्मिनल को जोड़ देंगे।
दोनों का अच्छा से कनेक्शन कीजिएगा, अगर ये खुल जाएगा तो दोनों में से कोई भी स्पीकर नहीं बच पाएगा। अब ये हमारा ये रहा बोर्ड ब्लूटूथ मॉड्यूल जो हम लोग कहते हैं आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को लेंगे और इसमें बैटरी का कनेक्शन हमने कर दिया है, और ये रहा स्पीकर के वायर। इधर साइड में जो रेड वाला है वो बैटरी का है, और जो बीच में है वो है हमारा स्पीकर का, जो साइड में है वो तो लाइट का, तो हमारे पास लाइट नहीं है। हम लोग स्पीकर का ये इसके हम लोग स्पीकर का प्लस माइनस लिया है, उसका जो हम लोग प्लस माइनस अलग किए थे उसके प्लस उसको और उसके माइनस उसको जोड़ देंगे। तो ये हम लोग को माइनस मिला, पहले माइनस को जोड़ देते हैं। और यहाँ अच्छे से कनेक्शन कीजिएगा, अगर थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ तो आप लोग इसको बजा नहीं सकते हैं। और ये जो हमने ब्लूटूथ किट लिया है ये मोबाइल के चार्जर से आराम से चार्ज हो जाता है, तो आप लोग इसका बॉक्स खोल के चार्ज कर सकते हैं इसको। तो ये कुछ इस प्रकार से कनेक्शन इसका हो चुका है। अब हम लोग इसके बॉक्स को बंद करेंगे, क्योंकि साउंड अच्छे तरीके से साउंड और बेस निकल गया है। अब देखते हैं इसका साउंड टेस्टिंग कैसा आ रहा है। तो ये हमने NCS to my shadow, turns the sun rays and I...